निजी कोल ब्लॉक आवंटन के विरोध में मजदूर संगठन एक हो गए हैं और मजदूरों के संयुक्त मोर्चे के जरिए केंद्र सरकार की इस नीति का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में संयुक्त मोर्चे ने हड़ताल किए जाने की बात कही। परासिया के कोयला माइंस में श्रम संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने कहा कि केंद्र सरकार ने निजी कोल ब्लॉक की नीति बनाई है, जिसके विरोध में हड़ताल और मजदूरों के हित में हड़ताल की जा रही है। संयुक्त मोर्चा ने कोल सेक्रेटरी को आवेदन दिया था कि कोयला खदानों को निजी ना किया जाए, लेकिन सरकार ने उनकी बात पर गौर नहीं किया। मोर्चे का कहना है कि केंद्र सरकार FDI लाकर निजी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है, इससे मजदूरों का शोषण होगा, मजबूरी में हड़ताल करना पड़ रही है। सभी संयुक्त मोर्चे के सभी ट्रेड यूनियन के लोगों ने यदि हमारी बात को यदि नहीं मानी जाएगी तो हम 2-3-4 तारीख को जुलाई को हड़ताल करने जा रहे हैं। और साथियों, केंद्र में वार्ता नहीं हो पाई, जवाबदार आदमियों ने कभी संपर्क नहीं कर पाया, जिन्होंने संपर्क किया वार्ता फेल हुई हमारी। हमारा संयुक्त मोर्चा के सभी साथियों का कहना था कि प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे, चूँकि ये गंभीर विषय है। ये पूरा कोल इंडिया के पब्लिक सेक्टर के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है केंद्र सरकार के माध्यम से। तो हम सब हमारे प्रस्ताव को नहीं माना और आज से हमारी हड़ताल प्रारंभ हो गई। आज 2 जुलाई को हम लोगों ने प्रारंभ किया है, 3 को भी करेंगे, 4 को भी करेंगे। और आज जिस तरीके से हमारे पास जो पूरे कोल इंडिया का डाटा आया है, खासतौर पर हमारे पेंच कनान का एरिया का लगभग 100% हड़ताल हमारी सफल है। आज एक भी मजदूर साथी कोई भी काम पर नहीं गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।